बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है 18 अक्टूबर 2023 और दिन है आज बुध का, सुबह सुबह का टाइम है। आज मौसम बिल्कुल साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। दो तीन दिन हमारे पास बारिश रही है, कभी आ जाती है, कभी रुक जाती है, कभी आ जाती थी। काफ़ी मौसम ख़राब था, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं, हवाएं ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। बहरहाल अब मौसम बेहतर है। तो वज़न का थोड़ा सा रह गया था काम, वो इसी मौसम की वजह से, तो आज उम्मीद हो जाएगी। वेट मशीन में थोड़ा सा इशू है, उम्मीद है कि आज जो है इंशाल्लाह ये कंप्लीट करके आपको भेज देंगे। तो अभी फार्म की वीडियो भी आपके साथ शेयर करता है सारी अप्लाई की, और देखें अपने कमेंट्स दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें इसको। चलते हैं अभी फार्म में। ये जी, ये पहले वाला जो पिंक नोज में है, ये फार सेल के लिए है, और एक आ गया ये वाला, ये फैसल साहब का है। फैसल भाई कराची से हैं। तो जी माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है इस बछड़े की। उसके बाद आ गया जी ये डॉक्टर फरीद साहब का, तो चेक करें जी, बिल्कुल माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन प्लाई हो रही है। ये देखें जी माशाल्लाह वैक्सीनेटेड हैं। जिन दोस्तों ने अपने जानवर ख़रीदने हैं वो रابطہ करें, और अपने प्लाई के लिए जानवर जो हैं वो लाजमी दे दें, फिर आगे टाइम भी थोड़ा रहता जा रहा है। ये हारस साहब का, हारस भाई कराची से। तो ये जी माशाल्लाह चेक करें हारस भाई का। और ये आ गया जी शाह साहब फुटवेयर कराची। इनू करिए ज़रा, इन हिलाओ आगे, दोनों साइडों में कोशिश करो दिखाओ। ये जी शाह साहब का, बस 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 बस, ये जी माशाल्लाह। ये आ गया है जी अपना मनीर भाई तुर्की से, पाकिस्तान में है आजकल तो, लेकिन ये माशाल्लाह ये भी अच्छी ग्रोथ है इसकी नज़र आ रही है। ये चेक करें जी मनीर भाई तुर्की से। और ये आ गया जी हबीबुर रहमान साहब कराची से। ये आ गया जी हबीब भाई का माशाल्लाह। और दूसरा, जिन दोस्तों ने सरसों का तेल अपने जानवरों को दलवाना है, वो हमने पहले बता दिया था कि हमें जो दोस्त बोलेंगे हम उनके जानवरों को देंगे, वो पैकेज के अंदर इस दफ़ा शामिल नहीं था। तो ये बड़े बेहतरीन दिन हैं सरसों के तेल के लिए, तो जो भी दोस्त हमें बोलेगा इंशाल्लाह हम सरसों का तेल उनके जानवरों को देना शुरू कर देंगे। ये आ गया जी अपना अपना लियाकत भाई मस्कत, मस्कत है ना। माशाल्लाह जी इसकी भी ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही है। ये सामने सूरज आ गया। और ये खालिद साहब का, आसिफ इस्लामाबाद साहब, ठीक आसिफ साहब। ये जी आसिफ भाई हैं इस्लामाबाद से। ये हाइट बना रहा है अपनी अच्छी। ये चेक करें जी माशाल्लाह आसिफ भाई इस्लामाबाद से। और ये फार सेल के लिए है सही। ये बछड़ा माशाल्लाह तगड़ा बछड़ा है, और वाइट कलर में है, और थोड़े थोड़े इसमें कोड सिक्के भी हैं, अच्छा है अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो। ये भी फार सेल अली भाई सियालकोट, अच्छा। ये जी अली भाई सियालकोट का, उनका है अली भाई का सियालकोट से, कतर से। और ये भी फार सेल है, ये इसमें कोड सिक्का नहीं है, कोई दोस्त अगर लेना चाहे तो। ये जो ब्लैक कलर है, ये कलर है इसका, ये कोड सिक्का नहीं है। और पिंक नोज़ में माशाल्लाह बेहतरीन जानवर। ये आ गया जी तौसीफ भाई कराची से। ये डब्बू नाम है बछड़े का जी, हर साल डब्बू ही होता है तकरीबन, करियो हमारे गाँव। ये नीचे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है हमारा माहौल बारिश की वजह से ना, होती रही है बारिश लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि वो मसला खड़ा करे। ये जी माशाल्लाह। ये फिर अली भाई, ये बछड़ा फार्म में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कद भी अच्छा निकाल गया है। ये अली भाई कतर, सियालकोट से कतर वाले, उनका है ये। ओहो,
और ये माशाल्लाह अब अपनी जान भी अच्छी बना रहा है। और ये भी फार सेल के लिए है HD कलर में। ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा जानवर है। कोई दोस्त अगर इंटरेस्टेड हो तो वो रابطہ कर सकता है इसके लिए। और ये है जी पांडा बाबर भाई मस्कत से। ये अब माशाल्लाह संभल गई है तबीयत इसकी और वज़न गेन कर रहा है ये डे बाय डे। ये फैसल साहब हर आशिर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी चेक करें जेट ब्लैक दो दांत हो गया। हाँ दो दांत हो गया। ये चेक करें माशाल्लाह जानवर के SOPs भी पूरे हैं। जानवर खूबसूरत भी है हाइटेड भी है और माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह ज़रूर बोलें बहुत प्यारा जानवर है। और ये इसी से मिलता जुलता आ गया है जी फैसल साहब कराची से। तो माशाल्लाह जी फैसल भाई भी बड़े शौकीन हैं जी खूबसूरत जानवरों के। ये देखें जी फुल ब्लैक बड़ा प्यारा माशाल्लाह जानवर अपना राणा साहब फैसलाबाद से। ये जी माशाल्लाह इसका आगे से जो माथा है हेड वो वाइट और बाकी अपना राणा साहब का ये माशाल्लाह जानवर प्यारा है। और ये आ गया जी अशर साहब का सॉरी महमूद साहब का। ये जी महमूद साहब का आ गया बशरा चोलस्तानी। तो ये पलाई आपके सामने जानवर की माशाल्लाह देखें। ये देखें ओहो ये चेक करें यहाँ से मर्जी इसको चेक करें। ये देखें तो माशाल्लाह बिल्कुल बोलें जी। और दूसरे नंबर में मैं बता रहा था कि जिन दोस्तों ने अपने जानवर पलाई के लिए देने हैं वो जो है वो आप जल्दी करें। शहजाद साहब शहजाद साहब कराची से। तो माशाल्लाह जी बशरा ये भी बेहतरीन होता जा रहा है इनका दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। शहजाद भाई कराची से। ये जी रवि भाई का बशरा आ गया और वजूद तो ठीक है इसका लेकिन बरहल ये वास्ते ना सरसों का तेल उन्होंने मैनू कहा तो अज शाम उम्मीद है तुम्हें मिल जाएगा। ये जी रवि भाई मसरूर साहब कराची से। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें जी नदीम रबानी साहब ताइवान से। ये चेक करें जी ये आ गया जी हुज़ैफ़ा भाई कराची से। माशाल्लाह तगड़ा जानवर बन गया। और ये आ गया जी आबद भाई कराची से। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बछड़े बड़े तगड़े बछड़े बन गए। ये चेक करें जी ये आ गया जी आपी उज़्मा साहिबा का कराची से। ये चेक करें माशाल्लाह प्रिंट आउट गुलास जानवर की सेहत भी अच्छी है फुल पूरी गुलाइयों के अंदर है। कान तो रस्सी पीछे करियो। ये देखिए माशाल्लाह ये आ गया जी इरफान भाई गुजरांवाला से। ये दो बछड़े हैं माशाल्लाह इनके और एक ये देखें जी बस। ये आ गया जी अपना सुलेमान साहब का। तो चेक करें जी प्लाई। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे बड़ी शाइनिंग है इसके ऊपर बस भी बस। ये आ गया जी नवीद भाई कराची से। ओ सॉरी नवीद भाई लाहौर से कराची से नहीं है लाहौर से हैं नवीद साहब। ये जी वैसे कराची से भी हैं नवीद भाई कराची से भी हैं लेकिन वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है अमेरिका में गए हुए हैं। मेरा ख्याल अभी आए भी नहीं हैं आते तो रابطہ ज़रूर करते। और ये आ गया जी अपना इरफान भाई गुजरांवाला से।
ये चेक करें माशाल्लाह जी जानवर, और ये देखें इसकी गलाइयाँ शलाइयाँ भी। और ये आ गया जी महमूद साहब का, ऐसे सोचे थे नाखन कटने वाले आ ये। हाँ ये चेक करें जी माशाल्लाह, महमूद महमूद साहब हैं कराची से, दो बछड़े एक चोलस्तानी और एक पहले भी थे इनके, बाकी ले गए थे। और वो पिछड़ो ये है जी हमारा, और ये भी फार सेल हो जाएगा, नॉर्मल प्राइस में है, कोई दोस्त अगर लेना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है। ये आ गया जी फैसल साहब का, ये चेक करें माशाल्लाह फैसल भाई, चेक करें जी फुल गोल फुटबॉल की टाइप का हो जाएगा। और ये जी जब भाई ईद के ऊपर आएगा, अभी फैसल साहब का ना, ये भी फैसल साहब का आ गया जी। ये चेक करें माशाल्लाह, ये आ गया जी खालिद सलीम साहब कराची से, तो अब यह कि इसने कुछ बेहतरी आ रही है। ये बड़ा कमज़ोर हो गया था हमारे पास पहले पहले, आगे महीना डेढ़ ही रहा है, अब बेहतर हो रहा है। यदि मेडिसिन होगी पूरी जड़ी इन पिलाते दवाई दो दिन दी। ये बछड़ी है फार सेल, बच्ची है ना फार सेल के लिए, ये दो दांत हो जाएगी अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो, ये भी रीजनेबल प्राइस में है। ये चेक करें माशाल्लाह, और ये आ गया जी आबद भाई कराची से हैं, उनका ये 2025 का, यदि करिए दूसरी साइड ज़रा, ये चेक करें, ये दूध पी रहा था, इतना छोटा था ये, रात को बोलता रहता था, माँ का दूध ही नहीं पिया इसने। और ये माशाल्लाह यहीं तैयार हो रहा है, और चेक करें अभी इसको आप। और ये जी हमारी वेट मशीन है, इसमें बड़ा मसला आया हुआ है, किसी जानवर का तो 100 किलो बढ़ा दिया और किसी का 100 किलो इसने कम कर दिया, अभी वो आएगा रिपेयरिंग वाला और दोबारा इसको फिर चेक करवाएंगे। ये ना शायद बारिशों के पानी से या पता नहीं क्या सीन हुआ है, ये समझ नहीं आ रही इसकी, ये सारा काम दबड़दूस हो गया इसका। और ये जी अपना हबीब साहब का, खालिद नहीं वो कहते हबीब साहब का ही है, वो दोस्त ने वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही है। हाँ फार सेल फैसल साहब कराची, अच्छा 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 फैसल साहब का, ये जी फैसल साहब कराची से हैं, फैसल भाई को देखिए। और ये वाला भी फैसल साहब का, ऐसे भी कान के पीछे की रस्सी करियो, ये जी फैसल साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये आ गई जी बच्चिया, बड़े अच्छे कलर में है, कोई दोस्त अगर इसको लेना चाहे तो वो रब्ता करे। और ये बछड़ी भी फॉर सेल है। और ये आ गई जी हबीबुर रहमान साहब की, ये चेक करें। और ये शाह साहब की, हाँ शहर भाई जी, दो एक बच्ची तो एक बच्चा आने से शमीम साहब कनाडा, अच्छा शायद चले गए हों फिर वो। ये आ गया जी चीता तौसीफ भाई कराची से केशूज, तो ये जी चीता प्रिंट माशाल्लाह, उनका कलर तो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, और इसको भी आजकल हाथों हाथ रहते हैं, नुकरे की तरह की मार्केट बन गई है इस जानवर की। और ये वैसे पिंक नोज़ में भी है, चॉकलेट कलर का इसका नोज़ है, पिंक आइज़ हैं, तो बिल्कुल जैसे नुकरे की डिमांड है ना ऐसे ही इस चीते के ऊपर भी लोग लगे हुए हैं। और ये आ गया जी अली भाई सियालकोट, अली भाई कतर, ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये आ गया अली भाई का माशाल्लाह, चेक करेंगे प्लाई में।
और ये आ गया जी अपना बाबर साहब का, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फड़ लो गए गोई, फड़ो हमारा ये बस, रसीटी ली रखो, रसीटी रखो। ये आ गया जी बाबर भाई का, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। और जानवर की जालर भी कंबल बिल्कुल, और ये कुहान में हर चीज़ में माशाल्लाह, पूछ भी लंबी, साफ़ सुथरा प्रिंट है। ये मस्ती करता है तो मट्टी वट्टी ऊपर इसकी आ जाती है। ये देखिए छड़ दे, बस छड़ दे, ये चेक करें माशाल्लाह। और ये आ गया जी कलीम साहब का, कोई नहीं करो 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 कम करो। ये आ गया जी कलीम साहब का, करो हनु मरा सीधा, कलीम भाई यूएसए से। ये चेक करें माशाल्लाह, जानवर चेक करें आप। ये बड़े जानवर मोबाइल में इतना ज़्यादा वीडियो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी नहीं बनती जितनी छोटे की बनती है। ये देखें जी, और ये आ गया जी इसके साथ ही अपना, माशाल्लाह माशाल्लाह जी बड़ा तगड़ा बैल है। क्या नाम था, दानियाल साहब, दानियाल भाई मलेशिया से। चेक करें, कुछ दोस्त मुझे ब्रीडिंग के लिए इसके मैसेज कर रहे थे, तो ये फार सेल नहीं है इनमें से। जो फार सेल है वो मैं बता देता हूँ, और ये बछड़ा फार सेल नहीं है, ब्रीडिंग के पर्पज़ से किसी दोस्त ने मुझे, बल्कि कई दोस्तों ने मुझे इस बछड़े के लिए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी किए थे कि ये बछड़ा हमें ब्रीडिंग के लिए चाहिए। तो माशाल्लाह जी बहुत ही इसकी हाइट है, और माशाल्लाह जान में भी बड़ा प्यारा है। चेक करें जी, दानियाल साहब मलेशिया मुल्तान से। शायद मेरे मोबाइल में उतना ना आपको नज़र आता हो, लेकिन तगड़ा बछड़ा है। हाँ, और ये रहा जी अपना उमर साहब अबू बकर साहब का, फड़ो हमारा इन लोगों की कर दा। ये जी माशाल्लाह, ये भी कम नहीं है। ये चेक करें जी, उमर भाई और अबू बकर साहब, चेक करें जी माशाल्लाह, झालर में और हर लिहाज से। और ये है जी उमर भाई, उमर भाई ये हैं यूके में, वैसे ये पेशावर वाली साइड से हैं, क्या नाम है शहर का इनका मुझे याद नहीं। तो इसका प्रोटोकॉल जारी है इस गाय का, और इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण का सिमन मेरा ख्याल मंगवाया, ब्राह्मण V8 शायद इस तरह से करके है, कोई सिमन भी आ गया है और प्रोटोकॉल है। मेरा ख्याल 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको सिमन इंसेमिनेशन हो जाएगी। ये चेक करें जी माशाल्लाह,